हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनोज चौधरी, आप देख रहे हैं चौधरी एसोसिएट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इसमें बात करने वाले फिनोमेना की एक नई समस्या के बारे में। इस वीडियो हम जानेंगे कि फिनोमेना कौन सी समस्या है और इसका समाधान किस तरह किया जाएगा। तो जी दोस्तों, हमारे जितने भी बीसी मर्चेंट भाई, वो जब भी किसी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग करते हैं, चाहे वो ईपी सर्विस यूज करते हैं, जब भी वो फिंगर कैप्शन पे क्लिक करते हैं, यानी फिंगर कैप्चर करते हैं, तब भी उनका एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाता है। तो ये समस्या बहुत सारे बीसी के साथ आ रही है, और साथ ही में कई लोग मार्फो का डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ ये काफी समस्या आ रही है, और जो लोग दूसरी कंपनी का डिवाइस यूज कर उनके साथ भी समस्या आ रही है। तो किस तरह इसका समाधान करना, इसमें भी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे होता है कि मैं जो भी वीडियो प्ले करूं उसका नोटिस पहले मिलता रहेगा। तो चलिए इससे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यह समस्या काफी लोग के साथ आ रही, इस समस्या का समाधान यही है। यदि आप में पहले से फिनोमित्रा का एप्लीकेशन है तो उसे एक बार अपडेट कर लें, और अपडेट करने के बाद भी यह समस्या आ रही है, तो एक बार क्या कीजिए, आप अपने फिनोमित्रा का एप्लीकेशन और साथ में आपका ये मार्फो का ड्राइवर, इसको मतलब जो भी आपका ड्राइवर, उसको अनइंस्टॉल करिए। दोनों को अनइंस्टॉल करना, इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद भी ये समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, फिनोमित्रा को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगा, सीधे गूगल से डाउनलोड होगा। और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद उसको अपडेट नहीं करना है। यदि अपडेट मांगता है तो आपको अपडेट नहीं करना, उसी वर्जन में आपको ये ईपीएस सर्विस और अकाउंट ओपनिंग की सर्विस को यूज करना है, क्योंकि अभी प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है उसमें कुछ एरर है, कुछ समस्या है। जब तक वहां पर अपडेट नहीं हो जाता है, पूरी तरीके से इनको सही नहीं करे, तब तक आपको वहां से अपडेट नहीं करना है। तो ये जो समस्या काफी लोग के साथ आ रही है, और बहुत ही कम लोग के साथ ये समस्या नहीं आ रही है। तो जिन लोग के साथ आ रही है, वो नीचे दिए बॉक्स से ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कि इस समस्या का समाधान वहीं से मिल पाएगा आपको, क्योंकि जो पहले का वर्जन, इसमें कुछ समस्या आ रही है, तो आपको वो वर्जन डिलीट कर देना है, और डिलीट करने तब इसको इंस्टॉल करना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको जो प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन वो इंस्टॉल है, उसके वजह से इंस्टॉल करे। पहले आपको प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है अपने फोन से, उसके बाद नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना है, तब जाकर इस सर्विस का आप ले पाएंगे। तो आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। यदि जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और काफी से काफी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी लग सके और वो भी इस समस्या का सामना कर सके, और उनको भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बहुत सारे लोग के साथ में ये समस्या आई, चाहे वो बीसी मर्चेंट हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, जब भी किसी आईडी को अनबोर्ड करे तब भी उनके समस्या उनके साथ में आ रही है। तो आशा करो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप भी फिनो बैंक से जुड़कर अपने एरिया में बैंकर होने का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें तुरंत मिस कॉल दें।